नंबर का है हमारा उपनिषद, ये सेवन नंबर सात का नंबर किस वेद से संबंधित ऋग्वेद। है? क्या पढ़ना है, हमारा सिलेबस क्या है नागबिंदु उपनिषद का? अभी शुरू में तो हंस, पढ़े थे ना। इसमें हंस विद्या के बारे में वर्णन मिलता है, ओम की ओम के बारे में भी वर्णन, और नाद के जो प्रकार है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। नाद अनुसंधान की साधना, मनोलय स्थिति, ये सब भी यस, चलिए वेरी गुड। मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है आप लोगों को? मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? जी मैम। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो ये है हमारा नादबिंदु उपनिषद, है ना। एक मिनट, ये दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए और आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट करके आएगा। पहले भी मैं बोलती आई हूँ, अभी भी कहूंगी कि अभी आप लोगों को क्या है, नेट का एग्जाम का तैयारी करना है, नेट जाए के लिए, है ना। अभी आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए पढ़ाई में, फिर उसका जो बेस्ट रिजल्ट है वो आप लोगों को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नादबिंदु उपनिषद तो हमारे सिलेबस में दिया गया है, सबसे पहले हंस विद्या और उनके अंगों पांगों का वर्णन, मतलब इसमें हंस से कंपैरिजन किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद है ओमकार की 12 मात्राओं तथा उसके साथ प्राणों के विनियोग का फल। जो 12 मात्रा है उसके साथ प्राण का विनियोग करते हैं तो उससे क्या फल प्राप्त होता है। ये एक मात्र ऐसा उपनिषद है जिसमें ये ओमकार की 12 मात्राओं का वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद है इसमें नाद के प्रकार, बाकी में भी पढ़े हैं नाद के प्रकार। फिर उसके बाद नादानुसंधान साधना का स्वरूप, और उसके बाद है मनोलय स्थिति। तो ये संबंधित है हमारे ऋग्वेद से। मंत्र है इसमें 56 और आसन का वर्णन है इसमें एक आसन सिद्धासन का, और मुद्रा है वैष्णवी मुद्रा, और अवस्थाएं हैं 4, जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीयावस्था। किसमें किसमें पढ़े हैं वैष्णवी मुद्रा का? इससे पहले पढ़े हैं कहीं पर वैष्णवी मुद्रा? जी मैम, आपका त्रिशिको में है शायद नाम, कंफर्म वो बताइए बाकी लोग। नारी था वैष्णवी वाला। वैष्णवी नारी या ब्रह्म नारी उसे बोला गया। हाँ, यस वेरी गुड, है ना। तो और उसके बाद इन 4 अवस्थाओं का वर्णन और कहाँ कहाँ पर आया है, एक्सेप्टेड मुंडक या मांडुक के जो भी है, योग उपनिषद में बताएंगे, है ना। मेन उपनिषद में मुंडक उपनिषद में है ना 4 अवस्थाओं का वर्णन, मांडुक के में है मैम। अच्छा मांडुक्य में। चलिए और उसके बाद योग उपनिषद में जो अभी पढ़े लघुग्रहादि चूड़ामणि में भी में, है, चूड़ामणि में है, हाँ ध्यान बिंदु में भी है ना मैम, अभी पढ़े। हाँ यस यस वही में। अभी ना कंटिन्यू हम लोग 4 अवस्थाओं को पढ़ते ही आ रहे हैं ना। केवल एक जगह पर 3 अवस्थाओं के बारे में दिया गया था, जो सेकंड लास्ट वाला है। क्या नाम है उसका, सेकंड लास्ट का जो पढ़े थे, योग तत्व है क्या, योग योग तत्व उपनिषद। तत्व हाँ, उसमें 3 अवस्थाओं का वर्णन है, बाकी में चार चार का ही पढ़ते आ रहे हैं ना। और उसके बाद है हाँ योग चूड़ामणि, ये सबका कॉमन है ना, और वही आंसर सबसे पहले निकल रहा है। चलिए अच्छी बात है। अब उसके बाद है हंस विद्या और उनके अंगों पांगों का वर्णन। तो पर ब्रह्म का स्वरूप, तो ओकार को हंस मानकर उसका वर्णन किया गया है। ये ओमकार है ना, ओमकार है उसको हंस मानकर उसका वर्णन किया गया है। तो ओम अकारो दक्षिणा पक्ष उकार स्तुतर स्मृता मकारम पुंक्ष मित्याहुर अर्धमात्रा तुमस्तकम। अर्थात देखो, इसमें जो ये हमारा हंस है उसको क्या माना गया है, ओम, और उसके जो अंग है उसकी तुलना किससे की गई है, जो हमारा ओंकार है ना। तो ये हुआ ओंकार, इसमें 4 मात्राएं होती है, अ उमा, और ये अर्धमात्रा। अब ये जो हंस का शरीर है उसमें किसका किससे तुलना गया है, तो इसका जो दक्षिण पक्ष मतलब जो दायां पंख है, जो मतलब राइट विंग है इसका, उसको क्या बोला गया है, अकार। जो उत्तर पक्ष मतलब बायां पक्ष लेफ्ट विंग है उसको बोला गया है ऊकार, और पूंछ है इसका पृष्ठ पक्ष उसको बोला गया है मकार, और जो अम मस्तक की मात्रा है उसको बोला गया है इसका सिर, ठीक है। इसमें देखते हैं दक्षिण दक्षिण पक्ष से पहले शुरू किया गया है ना। ज्यादा बड़ा हो गया है क्या ये, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये हुआ हमारा, तो जो दाया पंख है उसको क्या बोला गया है, अकार। ये हुआ दाया पंख, उसके बाद ये ऊ है उसको क्या बोला गया है, बाया पंख। फिर इसका जो ये पूंछ है उसको बोला गया है मकार,
और इसका जो सिर है ना, ये उसको बोला गया है अर्धमात्रा। ठीक है, आया समझ में सबको? यस और नो? यस मैम, जी यस मैम, हाँ। क्लास में थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्ड किया, मुझे डर लगने लगता है मैं क्लास में लेफ्ट तो नहीं हो गई, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ मैं पढ़ाते रहती हूँ और लेफ्ट हो जा ही रहती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पादादिकम गुणास्तस्य शरीरम तत्वमुच्यते धर्मो अस्य दक्षिणम चक्षुर धर्मो अथो परः स्मृतः। तो शरीर को क्या बोला गया है? तत्व बोला गया है। तो ये उसके गुण है, तो जो दोनों पैर है रज गुण और तम गुण, और जो शरीर है वो सत्व गुण से युक्त होता है। अब शरीर को सत्व कहा गया है इसका, तो जो उसका दोनों पैर है जैसे बाएं पंख और दाएं पंख को अ और उ से करके तुलना किए हैं, तो उसका जो दाहिना पैर है, दोनों पैर है वो रजोगुण एवं तमोगुण से युक्त है। ठीक है, ये दोनों गुण पैर है वो रजोगुण एवं तमोगुण, और जो शरीर है वो सत्व गुण से युक्त है। इंडिविजुअल बताया नहीं गया है कि कौन सा है वो, कौन सा है वो रजोगुण से है और कौन सा है तमोगुण से, लेकिन दोनों को साथ में बोल दिया गया है कि दोनों पैर है वो रजो एवं तमोगुण से और शरीर है वो सत्वगुण से। अब उसके बाद है धर्म, जो दक्षिण नेत्र है वो उसका क्या है, जो दायां आंख है वो है धर्म, और जो बायां आंख है उसको बोला गया है अधर्म, है ना? तो ये जो धर्म है उसको क्या बोला गया है, दायां आंख, और जो अधर्म है उसको बोला गया है बायां। ठीक है, ये सत्वगुण उसका शरीर और रज एवं तमोगुण है उसका क्या बोलते हैं दोनों पैर। अब उसके बाद है शरीर से करके इसकी अब तुलना की गई है ना, जो हमारा शरीर है उसका सात लोकों से। अच्छा बताइए, जो 14 भुवन है उसमें क्या क्या आता है? 14 भुवन में क्या क्या आता है? भू भुव स्वः मह जन तप सत्य, ये तो 7 लोक होते हैं। और उसके अलावा 7 चीजें और आती हैं। जैसे पाताल लोक बोलते हैं, हाँ, वही वही। तल तलातल रेशा तल, ऐसा करते हैं हाँ, काजल पृथ्वी काजल काजल अंतरिक्ष बताओ, आप बताओ। हाँ ठीक है, एक बार क्लियर कीजिए पूरा, साथ में बोलिए। मेघा मैम आप बता रहे थे ना? मेरे को 3 ही पता है मैम इसके, ये भी मैंने अभी इसके पहले वाले में जब पढ़ाया हाँ था ना आपने, मैं पवन वो जी आपको पृथ्वी पता है? नहीं, वो अलग है। पवन जी आपको पता है? नहीं देखो नहीं मैम नहीं है। हाँ क्या क्या है, तल तलातल महातल सुतल वितल पाताल, एक छूट गया ना, एक है रसातल, सीक्वेंस में भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। काजल आपको पता है ना? सीक्वेंस याद नहीं आ रही, बाकी हाँ, यही लेकिन सात यही है। सार। हाँ ठीक है, आप लोग आगे पढ़ेंगे, मे भी इसका आएगा जो हठ योग का ग्रंथ पढ़ेंगे, या फिर योग उपनिषद में शायद नेक्स्ट वाले में करके आएगा, या फिर इसी में आएगा, है ना? देखते हैं हम लोग आगे कहाँ गया ये। तो जो हमारे शरीर के दोनों पैर हैं उसको बोला गया है भूलोक, ये हमारा दोनों पैर है सबसे नीचे, उसको बोला गया है भूलोक। फिर शरीर के हमारे दोनों घुटने धीरे धीरे ऊपर आएंगे, है ना, तो उसको बोला गया है भुवह लोक। फिर शरीर का कटी मतलब हमारा जो कमर का हिस्सा है उसको बोलेंगे स्वह लोक। फिर हमारा नाभि उसको बोलेंगे महालोक, भू भुवह स्वह महा। ठीक है, शरीर का नाभि इसको क्या बोला जाता है, महालोक। अब है शरीर का हृदय, हृदय को क्या बोला जाता है, जनहलोक। फिर हृदय से ऊपर आएंगे कंठ में, तो कंठ को क्या बोला जाता है, तपह लोक। फिर उसके बाद है शरीर का भ्रूमध्य, उसको बोला जाता है सत्य लोक। ठीक है, आया समझ में? दोनों पैर है, डायग्राम से देखते हैं ना, दोनों पैर है उसको बोले हैं भुवह लोक। ठीक, ये भुवह लोक। फिर उसके सॉरी भूह लोक, है ना, बोलो दोनों पैर है उसको भूह लोक, यस। और जो घुटना है, घुटना को क्या बोला गया है, बुआ दोनों बुआ हाँ एक बुआ मिनट। तो जो हमारा घुटना है उसको बोला गया है भुवह लोक। फिर उसके बाद है
से ज्यादा छोटे होंगे, है ना। घुटना के बाद आते हैं जो हमारा कमर है, उसको बोला गया है स्वहलु, है ये हुआ हमारा स्वहलु। और उसके बाद है घुटना, स्वह के बाद आते हैं महालु, तो जो नाभि है उसको बोला गया है महालु ये। और फिर उसके बाद है जो शरीर का हमारा हृदय है, नाभि से ऊपर शरीर हृदय, तो उसको बोला गया है जनहलोक। फिर उसके बाद और ऊपर आएंगे कंठ में, तो इसको बोला गया है तपहलोक, ठीक। फिर उसके बाद आता है हमारा भ्रू मध्य, तो भ्रू मध्य को बोला गया है सत्यहलोक, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक है सबको क्लियर, दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। इसमें सात लोक करके बोला गया है और उसमें ओमकार की मात्रा धर्म अधर्म और जो तीनों गुण है उससे कंपेरिजन किया गया है। अब कहा गया है कि सत्य लोक के ऊपर सहस्रार चक्र है ना, भूमध्य को बोला गया है ये यहाँ पर सत्य लोक, और उसके ऊपर में क्या है यहाँ पर सहस्रार चक्र है सत्य लोक के ऊपर में, और इस सहस्रार चक्र में क्या है हजार कमल है, इस चीज को याद रखनी है ना, हजार कमल है करके बोला गया है किसमें सहस्रार चक्र में। फिर है उसके बाद सहस्रार चक्र के ऊपर प्रणव रूप सफेद हंस विराजमान है, किसी भी कर्म व्यवहार से परब्रह्म को भेदा नहीं जा सकता, साधना द्वारा परब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस सहस्रार चक्र के ऊपर जो प्रणव रूप, दो प्रणव की तुलना ही किससे की गई है सफेद हंस से, है ना। तो इस सहस्रार चक्र के ऊपर जो प्रणव रूप सफेद हंस है वो विराजमान है, तो किसी भी कर्म व्यवहार से मतलब हम लोग चाहे कुछ भी कर ले उस पर ब्रह्म को भेदा नहीं जा सकता या प्राप्त नहीं किया जा सकता, केवल साधना एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा पर ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, तो जो ओंकार की श्रेष्ठ विधि से मनन व चिंतन करता है उसके सहस्रों करोड़ों पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है, क्या है केवल जो ओंकार है उसका श्रेष्ठ विधि से मनन और चिंतन मात्र करने से क्या है जो सहस्रों और करोड़ों पाप है उनसे हम मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। नेक्स्ट, अब है ओंकार की मात्रा के नाम, तो चार मात्रा है इसमें अ उ म और ये जो अर्ध मात्रा, तो पर ब्रह्म की प्रथम मात्रा होती है ना, पर ब्रह्म की शक्ति की जो प्रथम मात्रा है अर्थात अकार, उसको बोला गया है आग्नेय या अग्नि, अ से अ याद रखेंगे, है ना, आग्नेय या अग्नि। फिर उसके बाद है पर ब्रह्म की शक्ति की द्वितीय मात्रा, उसको बोला गया है वायव्य या वायु, ठीक। फिर उसके बाद है ब्रह्म की शक्ति की द्वितीय मात्रा महाकार, है ना, उसको बोला गया है भानुमंडल या सूर्यदेव। अब इन दोनों में आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना, दोनों मतलब जनरली अग्नि और सूर्यदेव दोनों का एक जगह करके ही वर्णन आया है ना, बाकी जगहों पर भी आप देखेंगे तो किसका ये अग्नि है अकार का अग्नि, और ये जो तृतीय मात्रा है महाकार उसको बोला गया है भानुमंडल सूर्यदेव, इसको आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद है पर ब्रह्म की शक्ति की अर्ध मात्रा, जो ऊपर में मस्तक लगता है उसको उसको बोला गया है वारुणी या फिर जलदेव, ठीक है। तो ये हुए हमारे जो ओंकार की मात्रा है उनके नाम, ठीक। अब पर ब्रह्म की ये शक्तियां अ उमा तीनों कालों में निश्चित रूप से प्रतिष्ठित है, जो ये तीनों शक्तियां हैं उसको क्या बोला गया है तीनों कालों में प्रतिष्ठित है। इस महाशक्ति को ओंकार का नाम दिया गया है और इसको धारणा आदि के द्वारा जाना जा सकता है, द्वारा जानना चाहिए, ठीक है। तो इस महाशक्ति को जानने के लिए किसके द्वारा जान सकते हैं हम, धारणा आदि के द्वारा। तो नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार को जानने की यौगिक तकनीक क्या है, धारणा। किसके द्वारा हम जान सकते हैं ओंकार को, धारणा के द्वारा धारणा के द्वारा धारणा के द्वारा, ठीक है। अब ये है एकदम इम्पोर्टेंट, क्या बोलते हैं पॉइंट, इसको एकदम बढ़िया से करेंगे क्योंकि यहाँ पर से क्वेश्चन आता ही है ना, ज्यादा छोटा हो जाएगा ना ये। चलिए यहाँ पर से देखते हैं,
तो ओमकार की चारों मात्राओं में से हर एक मात्रा तीन काल का रूप है। इस प्रकार ओमकार को दो द्वादश कलाओं से युक्त कहा जाता है। देखो उसकी चार मात्रा है, चारों का तीन तीन, तो क्या हो जाएगा, 4 3 12। तो इस प्रकार ओमकार की कितनी मात्राएं हो गई, 12 मात्राएं। इसी कारण क्या कहा गया है कि ओमकार को द्वादश कलाओं से युक्त कहा गया है। तो जो उसकी प्रथम मात्रा है उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है, ये पहले मात्रा, फिर उसके बाद नाम, फिर मात्राओं में प्राण त्यागने पर किस पद की प्राप्ति होती है, इसके बारे में दिया है। तो सबसे पहले है प्रथम मात्रा, आ जो अ का पढ़ेंगे ना, ये तीन हम लोग जो पढ़ेंगे वो अ का है। तो प्रथम मात्रा को बोलते हैं घोषणी, और इस पर अगर हम इस मात्रा में प्राण त्यागते हैं तो हमको क्या मिलता है, हम चक्रवर्ती सम्राट बन जाते हैं। चक्रवर्ती सम्राट जानते ही नहीं आप लोग? चक्रवर्ती सम्राट क्या होता है, चक्रवर्ती सम्राट किसको पता है? तो ऐसे बोल सकते हैं, राजा है चक्रवर्ती सम्राट, ऐसा नाम था भी। मतलब जिसने विश्व पर विजय प्राप्त कर लिया था। राजा जो विश्व पर विजय प्राप्त कर लेता है उसको बोलते हैं चक्रवर्ती सम्राट। उसके सामने फिर मतलब कोई नहीं रह जाता। एक तो या तो वो हार जाते हैं तो उनका दास बनना पड़ता है, ऐसे ही करके होता है ना, मतलब वो विजय के ऊपर विजय प्राप्त करते जाते हैं, फिर वो चक्रवर्ती सम्राट बन जाते हैं। फिर है द्वितीय मात्रा, तो उसको बोला जाता है विद्युन्मात्रा, और इसमें प्राण त्यागने पर हम बन जाते हैं यक्ष, मतलब यक्ष के पद की प्राप्ति होती है। यक्ष की चर्चा किस उपनिषद में आई है, बोलो बोलो, केन कठोपनिषद। उपन कठोर केन उपनिषद में उपनिषद और में केन उपनिषदों में। केन ठीक है, वेरी गुड, है ना। अब हाँ उसके ठीक बाद है तृतीय मात्रा, तो तृतीय मात्रा में का नाम क्या है, पाटंगी, ठीक है। और इसको प्राप्त, इसमें हम लोग इस मात्रा में प्राण त्यागते हैं तो हमको विद्याधर का पद प्राप्त होता है। फिर ये हुआ तीनों अ का कंप्लीट। अब उसके बाद है चतुर्थ मात्रा, तो उसको बोला गया है वायु वेगनी, और इससे प्राण त्यागने पर हमको गंधर्व पद की प्राप्ति होती है। एकदम ध्यान से आप लोग नोट करते हुए जाइए, है ना। फिर है पंचम मात्रा, तो इसको बोला गया है नामधेय, और इस पर प्राण त्यागने पर तुषित नामक देवों के साथ हम चंद्रलोक में सम्मानित होते हैं। क्या होता है, जब हम नामधेय मतलब जो पंचम मात्रा है उसको प्राण त्यागते हैं तो जो तुषित नामक देवों के साथ चंद्रलोकों में सम्मानित होते हैं। फिर है षष्ठम मात्रा, इसको बोला गया है ऐन्द्री, है ना, तो देवराज इंद्र के समान पद की प्राप्ति होती है। ये थोड़ा सा इजी है ना। जो छठवा मात्रा है ये ऐन्द्री, और इधर ये इंद्र से संबंधित है ना। तो जो षष्ठम मात्रा है, जब उस पर हम प्राण त्यागते हैं तब हमको इंद्र के समान पद की प्राप्ति होती है। और इस षष्ठम मात्रा का नाम क्या है, हाँ ऐन्द्री, है ना। अब उसके बाद है सप्त मात्रा, तो सप्त मात्रा को बोला गया है वैष्णवी, और जब हम इस पर प्राण त्यागते हैं तो हमको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है ना। तो विष्णु जी रहते हैं हमारे वैकुंठ में, है ना, तो इस कारण क्या है, वैष्णवी नाम है उनका, और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। फिर है अष्ट मात्रा, तो इसको बोला गया है सांकरी, और इससे क्या है, रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। ये शंकर रुद्र है ना, भगवान शिव का ही रूप है, तो इस पर प्राण त्यागते हैं तो रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। फिर है नौ मात्रा है, उसको बोलते हैं महती, इससे हमको महा की प्राप्ति होती है। अब देखो ये हमारे जो लोक है ना वो आ रहे हैं, तो हमको महालोक की प्राप्ति होती है। अच्छा बताओ, इससे पहले महालोक का क्या हम लोग पढ़े थे, महालोक के बारे में क्या नाभि, पढ़े, नाभि में शरीर नाभि वाला भाग, नाभि के करके, नाभि हाँ में मैम ये शरीर लोक था की भी, नाभि है उसको क्या बोला जाता है, महालोक बोला महालोक। जाता है। चलिए वेरी गुड, है ना। फिर उसके बाद है कहाँ पर आए थे हम लोग, ये है ना महती और ये महालोक। ये देखो ये सातवें से थोड़ा सा इजी होना स्टार्ट हुआ है ना। फिर जो दशम मात्रा है उसको बोला जाता है धृति या ध्रुवा, और उससे हमको जनहलोक अर्थात ध्रुव लोक की प्राप्ति होती है। ये भी इससे रिलेटेड है ना, ध्रुवा से ध्रुव लोक, धृति जनह लोक, है ना। फिर है एकादश मात्रा, उससे उसका नाम क्या है नारी, और उससे हमको तपह लोक की प्राप्ति होती है। नारी तप करती है ना,
ऐसा करके याद रखेंगे। फिर है द्वादश मात्रा, ये होती है ब्राह्मी और इससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। ये इजी है और यही शायद एग्जाम में आया था, है ना, एक बार के एग्जाम में। तो इसको आप लोग, ये जो 12 मात्रा है वो एकदम इम्पोर्टेंट है, अच्छे से करके याद रखिएगा, है ना। ये इसके लिए पुष्पा मैम ने शायद पढ़ाया था ना इससे पहले, तो उन्होंने ही ये शायद ये ट्रिक बनाया है, या फिर क्या नाम था उन मैम का, जो पिछले टाइम मेन उपनिषद पढ़ा रही थी, है ना, शायद उन्होंने ये ट्रिक बनाया है, पता नहीं, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं। तो उसके द्वारा करके आप लोग याद कर सकते हैं कि ये जो 12 मात्राएं हैं उनका दिया गया है। तो आप चाहें तो इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं या बिना ट्रिक के भी याद कर सकते हैं। मैंने बिना ट्रिक के करके इसको याद किया था, है ना। तो ये दिया गया है उसका कि घोषणा करती विद्युत आएगी, घोषणा हुआ प्रथम, फिर ये विद्युत, यही क्या है विद्युत, संधि विच्छेद कर देंगे तो विद्युत, फिर पातंगी से पतंग, है ना। फिर उसके बाद है वायु, ये पांचवा वायु वेगिनी, फिर है ये नाम, नाम से ये नाम धेया, फिर इंद्र के द्वारा ऐन्द्री, फिर विष्णु से वैष्णवी और शंकर से शांकरी, फिर उसके बाद ये महती, है ना, फिर ये धृति और उसके बाद नारी और ब्रह्म। तो बोला गया कि घोषणा करती विद्युत आई, पतंग वायु में उड़ती है, नाम चलाया इंद्र ने विष्णु शंकर के पास, महती रहती है और धृति जागी नारी की, ब्रह्म को प्राप्त किया। ठीक है, तो इस तरह से करके अगर आप लोग ये याद कर लेते हैं, इसको याद करने से मैं भी आप सीक्वेंस भूल जाए, है ना, क्योंकि एक तो रहता तो चलो कर भी लेते, इसका डायरेक्ट श्लोक भी करके नहीं दिया गया है ना, और श्लोक थोड़ा सा टफ भी हो जाएगा, तो उससे अच्छा क्या है इस ट्रिक को करके याद कर लीजिए, फिर ये इजी हो जाएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही है ना, दो या तीन क्वेश्चन तो खुद मैंने देखे हैं इसके। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रारब्ध कर्म के बारे में बताया गया कि विगत जन्मों में किए हुए कर्म हैं, उन्हीं कर्मों को प्रारब्ध कर्म कहते हैं, मतलब पूर्व के जन्म में हमने जो कर्म किया है उसी को क्या बोला जाता है, प्रारब्ध कर्म कहते हैं। और इस जगत, हाँ ये हो गया। अब उसके बाद जो जगत का उपादान कारण है, मतलब जिस जगत का उपादान कारण है वो क्या है, आत्मा है। उपादान कारण मतलब क्या बोलूं मैं, कैसे करके एक्सप्लेन कर सकते हैं उपादान कारण को। मतलब उत्पत्ति का कारण होगा ना। हाँ, वो भी है, हाँ ऐसे ही करके समझ सकते हैं कि जो जगत का उपादान कारण क्या है, वो उत्पत्ति का कारण क्या है, आत्मा है। तो जैसे मिट्टी के द्वारा निर्मित पात्रों का उपादान कारण मिट्टी होता है, जिससे मिलकर क्या बोलते हैं, जिससे होकर के बना रहता है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसका उपादान कारण करता है, मतलब जिसके द्वारा निर्मित होता है। तो इस कारण क्या है बोला गया है, जगत का जो उपादान कारण है, क्योंकि आत्मा ही है तभी ये जगत चल रहा है ना, फिर अगर इसमें नहीं रहेंगे तो इसका कोई जगत का कोई अस्तित्व है क्या, नहीं है। तो इस कारण क्या बोला गया है, जगत का उपादान कारण आत्मा को कहा गया है। अब चर्चा की गई है नाद ध्वनि की, तो सिद्धासने स्थितो योगी मुद्रां संधाय वैष्णवम श्रेणुया दक्षिणे कर्णे नादम अंतर्गतम सदा। तो बोला गया है श्लोक में कि सिद्धासन में स्थित होकर हमको वैष्णवी मुद्रा धारण करनी है और नाद का श्रवण करना है, ये दक्षिण कर्ण से। ठीक है, तो किस आसन में बैठेंगे, सिद्धासन में, फिर मुद्रा कौन सी लगाएंगे, वैष्णवी मुद्रा, और नाद का श्रवण करेंगे दाहिने कान से। वैष्णवी मुद्रा आप लोग जानते हैं, वैष्णवी मुद्रा, चलिए आगे आएगा वर्णन, या फिर हाँ आप लोग पढ़े भी होंगे, बोलिए। देखो उसमें ना ये हुआ, एक नाक का अग्र भाग होता है, ठीक है, फिर एक भ्रूमध्य को देखते हैं, तो इसमें ना भ्रूमध्य को ना देख के करके ना, जो दोनों आंखों की पुतलियां हैं उसको यहाँ पर लाया जाता है, मैं भी करूंगी तो मेरा आंख दर्द करने लगेगा, है ना। तो ये देखो आप लोग इसमें इसमें देख सकते हो, चित्र दिया है उसमें, ये जो ये भ्रूमध्य को नहीं देख रहा है ना, जो दोनों आंखों की पुतलियां है ना उसको यहाँ पर ला करके जस्ट यहीं पर को देखना रहता, मतलब वो भ्रूमध्य नहीं होता है ना, तो उसको बोला जाता है वैष्णवी मुद्रा। तो
तो इस प्रकार नाद का किया गया अभ्यास बाह्य ध्वनियों को आवृत्त कर लेता है। इस तरह योगी पक्ष एवं विपक्ष को देखकर योगी तुरीयावस्था के पद को प्राप्त करता है। तो नाद का जब अभ्यास करते हैं तो बाह्य ध्वनियों को आवृत्त कर लेता है, और योगी है वो पक्ष एवं विपक्ष दोनों को जीत करके क्या है तुरीयावस्था को प्राप्त कर लेता है। हुआ क्लियर यहाँ तक सभी को? ध्वनियों को ढक ले, आवृत्त मतलब होता है वो कर लेना। तो बाकी जो बाहर की जो ध्वनि आ रही है ना वो सब उसके सामने में मतलब क्या बोले जाए निष्फल हो जाते हैं। हाँ क्या बोलते हैं कार्य नहीं कर पाते हैं ना, क्या वर्ड बोलते हैं, निष्क्रिय करके बोले जाए है ना। आवृत्ति मतलब हाँ हाँ तो मतलब बात लौटा देता है उसको, है, कानों में हाँ नहीं जाता। जाता है, हाँ तो वो उस पर कार्य नहीं करता मतलब उसका प्रभाव नहीं पड़ता। और इस तरह योगी है वो क्या है पक्ष एवं विपक्ष दोनों को जीत करके तुरीयावस्था को प्राप्त कर लेता है। अब है नाद की ध्वनि। तो अभ्यास की प्रारंभिक अवस्था में यह नाद की विभिन्न तरह से सुनाई देता है। इसके बाद अभ्यास बढ़ने पर ध्वनि सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती जाती है। ऐसे ही नाद की ध्वनि की और चर्चा की गई है हठ प्रदीपिका में, है ना। पहले वो सूक्ष्म रहता है मतलब पहले क्या रहता है एकदम ऐसे तेज वाला सुनाई देता है, फिर उससे कम तेज, फिर उससे बाद धीरे धीरे, है ना। तो इसी कारण क्या बोला गया है कि सूक्ष्म से सूक्ष्मतर क्या है नाद की ध्वनि होती जाती है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आदि या प्रारंभिक अवस्था में नाद की ध्वनि सबसे पहले हमको समुद्र की ध्वनि सुनाई देती है, फिर मेघ की, फिर मेघ के बाद भेरी की। भेरी किसको बोलते हैं जानते हो आप लोग? भेरी की लंबी जैसा, ध्वनि हाँ लंबी जैसे ही होती है मैम, थोड़ा लंबी ज्यादा हाँ होती है ये ऐसे करके रहता है ना, थोड़ा ऐसे ये मुड़ा हुआ मैम रहता है। राजा ऐसे महाराष्ट्र में ज्यादा होता महाराजा है ये, लोग होते शिवाजी हैं। महाराज के फिल्म हाँ आज हाँ यस उनके यहाँ वो बजाई जाती ऐसे है, उसे तुतारी टाइप बोलते हैं रहता हम लोगों में। है। हाँ, तो उसको बोलते हैं भेरी। और उसके बाद है झरने की ध्वनि। देखो समुद्र रहता है नीचे में, फिर उसके बाद डायरेक्ट हम लोग कहाँ चले जाएंगे ऊपर समुद्र के पास, मेघ की ध्वनि, मेघ की ध्वनि के बाद भेरी की ध्वनि, और भेरी की ध्वनि के बाद झरने की ध्वनि। सीक्वेंस को याद रखेंगे आप लोग। फिर उसके बाद है मध्य या मध्यावस्था में नाद की ध्वनि कैसे होती है। सबसे पहले मृदंग की ध्वनि है ना, ये हुआ हमारा मृदंग। फिर मृदंग के बाद क्या है घंटा, फिर घंटे के बाद नगाड़े की ध्वनि। तो इसमें आप लोग मंदिर को करके याद करेंगे, सबसे पहले मृदंग सुनाई देता है, फिर घंटा बजाते हैं, और क्या बजाते हैं नगाड़े की ध्वनि। फिर है अंत या उत्तरावस्था में, उत्तर मतलब बाद, तो अंत अवस्था में नाद की ध्वनि कैसे होती है। सबसे पहले हमको सुनाई देती है किंकिणी, फिर उसके बाद है वंशी, फिर वीणा, और उसके बाद भ्रमर। किंकिणी मैं नहीं जानती, किंकिणी क्या होता है, छोटी सी होती है ना, किसी को पता है किंकिणी क्या होती है? चलिए आप लोग खुद से करके देख लेंगे, है ना। तो सबसे पहले किंकिणी सुनाई देता है। हाँ कोई कुछ बोल रहा है? चलिए है ना, तो सबसे पहले किंकिणी, किंकिणी के बाद वंशी, फिर वीणा, फिर उसके बाद भ्रमर। तो इस तरह से हमको ये चार इसमें, चार इसमें, और ये तीन हमको 11 प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है प्रारंभिक अवस्था में। पहले समुद्र, चलो आप लोग बताते जाना है ना, पहले किसका ध्वनि सुनाई देता है समुद्र का, फिर समुद्र के बाद मेघ का, हाँ मेघ के बाद भेरी का, और भेरी के बाद झरने का, ठीक। फिर उसके बाद दूसरे वाले में मंदिर से करके याद रखेंगे, तो दूसरे में क्या सुनाई देता है सबसे पहले मृदंग हाँ मृदंग का, मैं ढोलक तक याद कर रही थी है ना, मृदंग की ध्वनि सुनाई देती है। मृदंग के बाद घंटे की, और घंटी, घंटे के घंटे बाद, की घंटे के बाद नगाड़े, नगाड़े हाँ नगाड़े की मैम ध्वनि। बड़ा किसी फिर होती है ना उसके मैम, शायद ऐसा नगाड़े बहुत बड़ा हाँ होती है नगाड़ा मतलब। बड़ा सब बड़ा होता है ना, तबला है वो हमारा छोटा होता है, और नगाड़ा है ना बड़ा बड़ा होता है। नगाड़ा कहाँ देखेंगे बताओ आप लोग? जो उज्जैन महाकाल है ना वहां बजता है, वहां के होली मतलब जो ये हाँ हनुमान जी का जिस दिन होता है ना मैम, उस दिन भी बहुत हाँ बड़ा रहता है, उसको बहुत लाठी हाँ ऐसा रहता है, उसे पीटा जाता है ऐसा शायद। हाँ और संतोषी बता रही है कि हमारे यहाँ होली में हम लोग नगाड़ा बजाते हैं है ना।
हाँ जी मैम, चलिए हमारे घर पे भी है नगाड़ा। हाँ हाँ ठीक है, कल संतोषी जी निकाल के दिखाएंगी, लास्ट क्लास रहेगा तो नगाड़ा कैसे रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद है कहाँ पर आए हम बजा के लोग भी फिर, दिखाएंगे मैम। हाँ हाँ वो जाके भी दिखाएंगे। फिर उसके बाद आता है उत्तर अवस्था, तो उत्तर अवस्था में सबसे पहले क्या आता है, किंकिणी, फिर किंकिणी के बाद वंशी वंशी, वंशी हाँ फिर मैम, वंशी के बाद वीणा वीणा, वीणा वीणा हाँ, और वीणा के बाद भ्रमर। भरमर भरमर। ठीक है, तो इस तरह से नाद की ध्वनि हमको सुनाई देती है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर की ओर, है ना। मतलब पहले देखो समुद्र का गर्जन कितना भयानक रहता है, और आके एंड कहाँ पर हो गया, वो भ्रमर की ध्वनि, है ना। तो अब नाद के दो प्रकार हैं, पहला है सूक्ष्म नाद और दूसरा है घन नाद। तो इस सूक्ष्म नाद को बोलते हैं अति मंद ध्वनि, और घन नाद होता है ये होती है अभेद ध्वनि। तो साधक का मन सर्वप्रथम जहाँ कहीं किसी भी सूक्ष्म अति मंद अथवा घन नाद मतलब अभेद्य ध्वनि में लगता है, उसके मन को वही केंद्रित करना चाहिए, और उससे चित्त तन्मय या विलीन होने लगता है। मतलब जहां पर जिस ध्वनि में आपका ध्यान लग रहा है उसी में क्या है, चित्त को विलीन करना रहता है ना, उसी में तन्मय होने लगता है। मतलब केंद्रित करेंगे फिर उसी में विलीन होने लगता है। जैसे कि हम लोग शवासन या जब योग निद्रा का अभ्यास करते हैं जनरली शवासन में, है ना, तो हमको किसी भी जो आसपास की आवाज है उस पर ध्यान लगाने के लिए बोला जाता है ना, फिर हमारा ध्यान पूरा उसी में चले जाता है। सपोज या भी म्यूजिक भी सुनते रहते हैं तो उसी में चला जाता है ना, उसी में हम लोग विलीन हो जाते हैं। तो उसी तरह इसमें बोला गया है कि जो भी हमको सुनाई देता है ना, वहीं पर हमको मन को केंद्रित करना चाहिए। तो संयमी साधक को चाहिए कि नाद श्रवण से भिन्न विषय वासनाओं को उपेक्षित करके सतत अभ्यास द्वारा मन को तत्क्षण ही उस नाद में नियोजित रहे। मतलब बाकी का जो कुछ भी आ रहा हो आपको, है ना, डिस्टरबेंस, जो विषय वासना है वो डिस्टरबेंस ही हो हमारा, तो उन सबको उपेक्षित करके मतलब उस पर ध्यान नहीं देना है आपको। और उसके बाद सतत अभ्यास द्वारा उस साधक को जो नाद श्रवण है उसी में क्या है, लगे रहना चाहिए। फिर उसके बाद है सदैव चिंतन द्वारा उसी में रमन करे, उसी का चिंतन करते रहे और उसी में रमन करे। तो चिंतन द्वारा सहज ही चित्त का नाद में लय हो जाता है। जब हम चिंतन करते ही रहते हैं तो हमारा जो चित्त है वो नाद में लय हो जाता है, और यह नाद मन रूपी हिरण को बांधने में जाल का कार्य करता है। तो मन की तुलना की गई है हिरण से, और हिरण को किससे बांधते हैं, जाल से, और इस नाद की नाद को क्या बोला गया है यहाँ पर, जाल, है ना। तो ये जो नाद है वो मन रूपी हिरण को बांधने में जाल का कार्य करता है। फिर उसके बाद है ब्रह्म रूप प्रणव में संयुक्त हुआ यह नाद स्वयं ही प्रकाश स्वरूप होता है। तो अब इस देखो जो जो प्रणव है उसको बोला जा रहा है, सॉरी जो नाद है वो प्रणव से संयुक्त हुआ होता है, तो वह स्वयं ही क्या है, प्रकाश स्वरूप होता है, और मन के विलीन हो जाने से ही भगवान विष्णु का परम पद प्राप्त होता है। अब जब इस नाद पे हम लगाए रहते हैं अपने चित्त को, तो हमारा मन जब उसमें विलीन हो जाता है ना, तो उसी से हमको क्या है, भगवान विष्णु का परम पद प्राप्त हो जाता है। और मन में आकाश तत्व का संकल्प करना चाहिए, जब तक कि शब्दों का उच्चारण और श्रवण होता है, नाद के रहने तक ही मन का अस्तित्व बना रहता है, और नाद के समापन होने पर मन भी शून्य मत हो जाता है। तो क्या है, जब हम लोग वो करते रहते हैं ना नाद का जब श्रवण या उच्चारण करते रहते हैं, तो कैसे करके करना है, तो मन में आकाश तत्व का संकल्प करना चाहिए, जब तक कि शब्दों का उच्चारण और श्रवण होता है, और नाद के रहने तक ही मन का अस्तित्व बना रहता है। मतलब ये जो जितने भी हमको सुनाई देंगे, है ना, तो तब तक ही क्या है, हमारा मन का अस्तित्व बना रहता है। ये विभिन्न विभिन्न ध्वनियां हमको सुनाई देंगी ना, समुद्र की, वीणा की, किंकिणी की, इत्यादि की, तो जब तक वो सुनाई देगा तब तक ही क्या है, हमारे मन का अस्तित्व बना रहता है। और जब मन जो नाद है वो समाप्त हो जाता है, तो हमारा मन भी शून्य मत मत हो जाता है ना। फिर क्या है, मुक्ता अवस्था की प्राप्ति, तो नाद का अभ्यास करते हैं तो हमको विषय वासनाओं से मुक्ति मिल जाती है। क्या होता है नाद का अभ्यास करने से,
विषय वासना उससे जिसे मुक्ति वासना से मुक्ति मिल मिल जाती जाती है, है। ठीक है। और मन और जो प्राण है वो निराकार ब्रह्म में लय हो जाता है। मन और प्राण हमारा अपनाथ का अभ्यास करेंगे तो विषय वासना से मुक्ति मिल ही जाएगी, और मन है और जो प्राण है वो किस में, निराकार ब्रह्म में लय हो जाएगा। और करोड़ों करोड़ों नाद एवं बिंदु उस ब्रह्म स्वरूप प्रणव नाद में विलीन हो जाते हैं, है ना। तो ये जो करोड़ों करोड़ नाद एवं बिंदु उस ब्रह्म स्वरूप नाद में विलीन हो जाते हैं, और जो योगी है वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं से मुक्त हो जाता है। ऐसे में योगी मृत व्यक्ति की तरह रहता है और इसे ही मुक्तावस्था कहते हैं, और योगी सदैव तुरीयावस्था में स्थित हो जाता है ना। हमारा मन नाद में विलीन हो गया, उसके बाद क्या है, योगी है वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था से मुक्त हो गया। अब चौथी अवस्था बची है ना, तुरीयावस्था। तो ऐसे में योगी मृत व्यक्ति की तरह ही रहते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, मुक्तावस्था करते हैं, और योगी है वो सदैव तुरीयावस्था में स्थित हो जाता है। तो इस प्रकार हमारा नाद बिंदु उपनिषद हुआ कंप्लीट। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? बोलिए। चलिए, है ना, मैं मान के चल रही हूँ। नो मैम, हाँ, कुंदन सर बोलते नहीं, आपकी चुप्पी मतलब आपकी हाँ है कि आपको समझ में आ गया, है ना। तो चलिए अब इसमें हम लोग करते हैं प्रश्न का अभ्यास, प्रश्न उत्तर है प्रीवियस ईयर के। तो नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार नाद श्रवण का अभ्यास किस आसन एवं मुद्रा में करना चाहिए? ऑप्शन आप लोग देखिए, मैसेज टाइप कीजिए, जो पहले बोलेगा यस उसको मिलेगा माइक ओपन करने का मौका। कौन बनेगा करोड़पति? नहीं, कौन दिखाए, कौन खोलेगा अपना माइक, कौन दिखाएगा अपना चेहरा, है ना। तो क्या है इसका आंसर, सब देख लिया ऑप्शन सब लोग? चलिए सब लोग लिखते जा रहे हैं, तीन तीन तीन। कोई दो वाला नहीं है क्या इसमें, या एक वाला? सिर्फ भाषण और वैष्णवी मुद्रा, है ना। चलिए वेरी गुड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार नेक्स्ट क्लास आप लोगों की 8 बजे से, जी मैम, मैम ठीक है। हाँ तो नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार को जानने की यौगिक तकनीक क्या है? चलिए बताइए, एकदम इजी है, कोई भी माइक ओपन करके बताइए। धारणा, यस वेरी गुड, है ना। फिर है नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार की किस मात्रा में प्राण त्याग का फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति है? एकदम इजी है ना। चलिए बारह बताइए, 12वीं मात्रा, यस 12वीं मात्रा में, पूरा ब से करके याद रखेंगे, 12वीं मात्रा। और क्या है उसका, मात्रा का नाम भी ब्राह्मी रहता है ना। और इससे क्या की प्राप्ति होती है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति। अब है नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार की 12वीं मात्रा ब्लैंक स्पेस के नाम से जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है? ब्राह्मी। धृति कौन सी मात्रा है? धृति दसवीं है शायद, दसवीं 10वीं, यस वेरी गुड। और सांकरी, सांकरी है शांति आठवीं, 8वीं। और आठवीं है वैष्णवी है वो, वैष्णवी है वो जस्ट इससे पहले, छठवीं, छठवीं, सातवीं, 7वीं, यस सेवन, वेरी गुड, सेवन। है ना। फिर उसके बाद है नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार, अब देखो ये वो वाला है ना कंफ्यूज करने वाला, जिसमें एग्जाम में हम लोग फंसते हैं। द्वितीय मात्रा का नाम विद्युन मात्रा है, और है द्वितीय मात्रा का नाम पातंगी है, और 10वीं मात्रा को धृति कहा गया है, 10वीं मात्रा को ऐंद्री कहा गया है, और 12वीं मात्रा को ब्राह्मी कहा गया है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। द्वितीय मात्रा को विद्युन मात्रा कहा गया है, सही है कि गलत है? सही है, हाँ वेरी गुड, है ना। अब द्वितीय मात्रा का नाम पातंगी है, अब जब द्वितीय मात्रा का नाम गलत विद्युन मात्रा है तो ये गलत है, तो ये कौन सी मात्रा है, कौन सी मात्रा है हमारी? तीसरी मात्रा द्वितीय शायद। मात्रा है ना, हाँ द्वितीय मात्रा हमारी। अब उसके बाद है 10वीं मात्रा को धृति कहा जाता है, 10वीं मात्रा को धृति कहा जाता है, जी मैम, यस ठीक है, हाँ धृति। और इसके अलावा इसका और क्या बताया गया था, धृति के अलावा दो दो नाम बोला गया है ना।
ध्रुवा ऐसा कुछ नहीं है? ध्रुवा ध्रुवा हाँ ध्रुवा द्वितीया ध्रुवा ठीक है। फिर उसके बाद है तो और उस हाँ दशवीं मात्रा को ऐंद्री कहा गया। अब ये यहीं पर से अब ये सही है तो ये वाला तो गलत हो गया ही। तो ऐंद्री कौन सी मात्रा है? छठी मात्रा। षष्ठी मैं मात्रा। इसके लिए सोनी हूँ। हाँ ठीक है षष्ठी मात्रा। और कौन से लोक की प्राप्ति होती है जब ऐंद्री में हम लोग प्राण त्यागते हैं? तो इंद्र इंद्रलोक। इंद्रलोक इंद्रलोक की है ना। देवराज और होता है। बारहवीं मात्रा को ब्राह्मी कहा गया है। इसको तो दो पहले और पढ़ लिए तो हमारा देखो पहला तीसरा और जो ये पांचवा है वो सही हुआ। तो सही आंसर कौन सा होगा हमारा? ए सी और अरे ई। और देखो एग्जाम में जब इसको बनाएंगे ना तो इसको पकड़ने का एकदम सरल तरीका ये है। ये पहला वाला बस पता है आपको द्वितीय मात्रा का नाम विद्युन मात्रा है। अब ये सही है तो बाकी तीनों में तो किसी में ए दिया ही नहीं गया तो डायरेक्ट टाइम सेव करने के लिए हम लोग तीन पर है उस पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन आपके पास समय है तो देख ये सब चीजें ना प्रैक्टिस से करके आती है ना। तो आप लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इन्वेस्ट योर टाइम इन क्विज। ठीक तो नाद बिंदु उपनिषद में बारहवीं मात्रा को कहा गया है। देखो ये चार बार हो गया इस क्वेश्चन को आते। न्यूजीसी नेट वालों को प्यार हो गया इस बारहवीं मात्रा से। बताओ नाद बिंदु उपनिषद में बारहवीं मात्रा को ब्राह्मी क्या कहा गया है? ब्राह्मी। वायुवेगिनी कौन सी है? वायुवेगिनी फोर्थ मैम फोर्थ अथवा धृतिक पढ़ लिए। घोषिणी कौन सी है? घोषिणी कौन सी है? प्रथम 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 मात्रा है। और वायुवेगिनी वायु वेगिनी है वो देखो चौथी सब मात्रा। जब और पहले से मैंने तो लेकर जाना के चौथी ग्यारहवीं मात्रा है तक पूरा पढ़ लिए। हाँ ये चौथी हो गया। हाँ और पांचवी चौथी है कौन सी है? बस पांचवा बस और बच गया हमारा बाकी सब पढ़ ही नाम लिए। वो नामधेय है वो। नाम नामधेय यस वेरी गुड है ना। और छठवा किसको पढ़े थे? इंद्री। इंद्री बताया था, इजी था ना। इंद्री इंद्र इंद्र के समान जो बोले थे। इंद्री मैम आ गई है क्या? अच्छा चलो पहले रिकॉर्डिंग मैम क्लोज इधर कर देती हूँ है ना। बोलिए वो कुछ पूछ रहा है। तो मैम जो आंसर जो दिए थे ना ना